बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के अधिकारियों पर बेहतर आर्थिक आंकड़े देने के लिए दबाव बनाया था, जिससे दिखाया जा सके कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था और GDP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने इन आंकड़ों को फर्जी बताया है। स्वामी के इस आरोप से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्वामी ने कहा कि मैं घबराहट महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसका प्रभाव पड़ा है। मैंने CSO के निदेशक से पूछा था कि आपने उस तिमाही में GDP के आंकड़ों का अनुमान कैसे लगाया था जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था, तो CSO निदेशक ने बताया कि वो कर भी क्या सकते थे, उनके ऊपर दबाव था। उनसे आंकड़े मांगे गए और उन्होंने दे दिए। स्वामी ने बताया कि ऐसे में तिमाही आंकड़ों पर भरोसा ना करें। सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान ऐसे समय आया है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली नोटबंदी और GST के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर जताई आशंका को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने सितंबर 2017 में आर्थिक विकास की दर के 6.3% रहने का भी हवाला दिया था। जून में ये 5.7 रहा था। स्वामी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा कि मूडीज, फिच जैसों पर कतई विश्वास ना करें। आप पैसे देकर उनसे आंकड़े हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि मूडीज ने हाल ही में भारत की रेटिंग को अपग्रेड भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।